हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशाज फूड प्लानेट। आज हम आपको बताएंगे बिहार स्पेशल खस्ता, या फिर जिसे ठेकुआ कहते हैं, उसको बनाने की रेसिपी। इसे छठ पूजा में भी हम बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये आटे के बिस्किट जैसा होता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठेकुआ बनाने के लिए हमें चाहिए, ये हमने आधी कटोरी चीनी ली है, आधा कटोरी रवा लिया है सूजी, आप चाहे तो आटे का पाउडर भी ले सकते हैं, और एक कटोरी हमने आटे लिया है गेहूं का आटा। आप चावल के आटे की जगह रवा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने चावल के आटे बनाने की भी रेसिपी बनाई है वीडियो, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ये ठेकुआ बहुत ही टेस्टी होता है, ये आटे के बिस्किट जैसा होता है, बहुत ही खस्ता होता है। और यहाँ पर हम आधा कटोरी देसी घी भी यूज़ करेंगे। हमें आटे को अच्छे से गूँथ लेना है गर्म पानी से, देसी घी का मोइन देते हुए। देखिए, आटा हमने गूँथ लिया है, आटे को थोड़ा सा कड़ा गूँथना है। ये हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है। आटे की हमें छोटी छोटी लोइयाँ काटनी है। देखिए, छोटी छोटी लोइयाँ काटने के बाद अब इसमें हमें जो खस्ता होता है बिहार का ठेकुआ, उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई अच्छा सा शेप देते हैं, उसमें कोई छाप होता है, किसी डिज़ाइन होता है उस पर। तो आप चाहिए तो ये हमने सब्जी चलाने वाला कलछी लिया है, आप चाहे तो इस पर प्रेस कर सकते हैं, इसे देख कितना अच्छा शेप आ जाता है इसका। या फिर आप चाहे तो इस पर कोई सा भी शेप दे सकते हैं, किसी भी मोल्ड में प्रेस करके, या फिर कोई डिज़ाइनदार बर्तन हो तो उस पर प्रेस करके इसका मोल्ड अच्छा सा इसमें डिज़ाइन आ जाता है। मीडियम फ्लेम होना चाहिए हमारा, हाई फ्लेम पर ठेकुआ जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर, धीमी आंच पर, हमें कुरकुरा होने तक इसे अच्छे से तलना है। आप घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा इसे और बताइएगा कैसी बनी है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसे हमें धीमी आंच पर तलना है, ज़्यादा तेज आंच पर जल जाएगा। चावल का आटा या सूजी डालने से इसमें क्रिस्पी, ये थोड़ा सा क्रिस्पी लगता है, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, खस्ता टाइप का। आप चाहें तो इसी तरह मल्टीग्रेन ठेकुआ भी बना सकते हैं। ये बिहार में बहुत फेमस होता है, छठ पूजा में इसे बनाते हैं प्रसाद के रूप में, ये छठ का प्रसाद माना जाता है। ये बिहार झारखंड साइड में बहुत ही फेमस होता है, अब तो ओवरऑल यूपी में फेमस है। धीमी आंच पर हम सारे ठेकुओं को तल लेंगे अपने, और आप इसे स्टोर करके एक दो हफ्ते तक खा भी सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है। आप चाहे तो छोटे साइज़ के ठेकुए बना सकते हैं या फिर बड़े साइज़ के ठेकुए बना सकते हैं। देखिए, ठेकुए हमारे अच्छे से तल चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जब हम ठेकुओं को निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बताइएगा कैसे बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।